योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी गृह मंत्री, डी उपराष्ट्रपति। आंसर ए प्रधानमंत्री। दो, योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? ए वित्त मंत्री, बी राष्ट्रपति, सी कानून मंत्री, डी प्रधानमंत्री। आंसर डी प्रधानमंत्री। तीन, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। ए भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, बी सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, सी संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान, डी भारत सरकार के सचिव के समान। आंसर ए भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। चार, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे? ए गुलजारी लाल नंदा, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल, डी बलदेव सिंह। आंसर ए गुलजारी लाल नंदा। पाँच, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ए इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, बी इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, सी इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, डी ये सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। आंसर ए इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। छह, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? ए उपराष्ट्रपति, बी राज्य मंत्री, सी कैबिनेट मंत्री, डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। आंसर सी कैबिनेट मंत्री। सात, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? ए वित्त आयोग, बी नीति आयोग, सी निर्वाचन आयोग, डी अंतर्राष्ट्रीय परिषद। आंसर बी नीति आयोग। आठ, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है? ए वित्त आयोग, बी योजना आयोग, सी निर्वाचन आयोग, डी राष्ट्रीय विकास परिषद। आंसर डी राष्ट्रीय विकास परिषद। नौ, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए गृह मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी योजना आयोग का उपाध्यक्ष, डी योजना आयोग का सचिव। आंसर बी प्रधानमंत्री। दस, प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद सभी सदस्य होते हैं। ए राष्ट्रीय विकास परिषद के, बी योजना आयोग के, सी आंचलिक परिषद के, डी प्रादेशिक परिषद के। आंसर ए राष्ट्रीय विकास परिषद के। ग्यारह, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यों के मुख्यमंत्री, डी योजना आयोग के सदस्य। आंसर बी प्रधानमंत्री। बारह, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं? ए राज्यों के मुख्यमंत्री, बी संघीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, डी उपर्युक्त सभी। आंसर डी उपर्युक्त सभी। तेरह, पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन होता है? ए संसद, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी योजना आयोग, डी योजना मंत्रालय। आंसर बी राष्ट्रीय विकास परिषद। चौदह, पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? ए योजना आयोग, बी राष्ट्रपति, सी राष्ट्रीय विकास परिषद, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी राष्ट्रीय विकास परिषद। पंद्रह, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है? ए ग्राम विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन से, बी पंचवर्षीय योजना को अनुमोदन से, सी विकास परियोजनाओं के निर्माण से, डी केंद्र राज्य वित्तीय संबंध में। आंसर बी पंचवर्षीय योजना को अनुमोदन से। सोलह, भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है? ए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, बी योजना आयोग द्वारा, सी वित्त आयोग द्वारा, डी निर्वाचन आयोग द्वारा। आंसर ए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। सत्रह, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं? ए राज्यों के मुख्यमंत्री, बी राज्यों के राज्यपाल, सी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, डी संघीय मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य। आंसर बी राज्यों के राज्यपाल। अठारह, राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य है? ए बजट ऑडिट करना, बी पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण व उन्हें सुनिश्चित करना, सी सरकार को नए प्रोजेक्ट व नीतियों के विकास में सलाह देना, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण व उन्हें सुनिश्चित करना। उन्नीस, वित्त आयोग क्या है? ए वार्षिक निकाय, बी स्थायी निकाय, सी त्रिवार्षिक निकाय, डी पंचवार्षिक निकाय। आंसर डी पंचवार्षिक निकाय। बीस, संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करता है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी संसद।
आंसर ए भारत का राष्ट्रपति लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब